अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का बटन क्लिक करें, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। तो आज है 1 अप्रैल और मैं आपसे आज मेरा स्नैकिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ, तो ये मैं प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने पोटैटोज़ को अभी कट किया था तो उसका जो स्टार्च है वो यहाँ पर आ गया था, तो मैंने उसे क्लीन कर दिया। तो आज मैं पोटैटो चिप्स बनाने वाली हूँ, तो उसके लिए मैंने ये पोटैटो को स्लाइस कर लिया है नाइफ से, लेकिन आप चाहे तो मैंडोलिन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मुझे मैंडोलिन का इस्तेमाल करना उतना ख़ास पसंद नहीं है, इसलिए मैंने उसे नहीं किया, बस आपको मैं बता रही हूँ। और मैंने इसके लिए रसेट पोटैटोस यूज़ किए हैं, आप चाहे तो बेबी पोटैटोस भी यूज़ कर सकते हैं। तो पोटैटोस को तो मैंने स्लाइस कर दिया था और मैंने उन्हें कोल्ड वाटर में 2 आवर्स के लिए छोड़ दिया। और ये जो मैं अभी फ्रिज से निकाली हूँ वो है मैरिनेटेड चिकन, जिसको मैं क्रिस्पी फ्राई करने वाली हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि चिकन को पहले ही मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ बटर मिल्क में, उसके बाद जब भी मुझे फ्राई करना होता है मैं ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर को मिक्स करके चिकन को कोट करती हूँ और उसके बाद उसे डीप फ्राई कर देती हूँ। तो ये सिमिलर टू KFC स्टाइल का बन जाता है, तो हमें ये बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं जो है चिकन को ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लावर में कोट कर रही हूँ, और कोट करके मैं उसे प्लेट पे रखती जा रही हूँ। ऑयल को भी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है, वो गर्म हो रहा है। उसके बाद मैं ये जो सारे चिकन के पीसेस हैं वो मैं उन्हें कढ़ाई में डाल दूँगी। ये लास्ट बैच था इस चिकन का, हम लोग इसे तकरीबन अब तक 3 बार खा चुके हैं, तो ये लास्ट था। इसके बाद मैं फिर से फ्रेश बैच बनाऊंगी इसका। तो ये जो ब्रेड क्रम्स है इन्हें मैं वापस से रख दूंगी, और मुझे दिखा कि एक छोटा सा पीस उसमें रह गया है तो मैंने उसे भी कोट कर दिया है। और वो जो सॉल्यूशन या जूस जो भी बोल सकते हैं कंटेनर में बटर मिल्क का, वो मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। और ये मैंने वोक में चढ़ा दिया है ऑयल, और ये ऑयल मैंने तकरीबन 2 से 3 बार यूज़ कर लिया है, इसीलिए इसका कलर कुछ इस तरह से लग रहा है। और मैं इसमें ये सारे चिकन के पीसेस डाल रही हूँ, और मीडियम हाई फ्लेम पर मैं इसे छोड़ दूंगी, और तब तक के लिए मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ कि सारे जो पोटैटोस को जो मैंने स्लाइस किया है उन्हें मैं ड्राई कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप गीले पोटैटो चिप्स स्लाइसेस को ऑयल में डाल देंगे तो सारा ऑयल आपके फेस पे आ जाएगा एंड विच इज़ नॉट गुड। तो इसलिए आपको ज़रूरी है कि इसे ड्राई करें। तो मैंने यहाँ पर एक क्लीन टॉवल लिया है, मैं बेसिकली ये टॉवल इसी इस तरह के पर्पज़ के लिए ही रखती हूँ, और उस पर मैंने रख के सारे ये जो स्लाइसेस हैं उन्हें ड्राई कर दिया है। मैंने बहुत ही पतले पतले स्लाइसेस किया है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, मैंने इसे फर्स्ट टाइम ही किया है। थोड़े से स्लाइसेस जो है थिक हो चुके थे, लेकिन फिर बाकी के जो है वो सारे चिप्स के ही टाइप के स्लाइस हुए हैं मुझसे। अब मैं यहाँ पर मैंगो मोहितो बना रही हूँ। वैसे तो ये ऑथेंटिक मोहितो तो नहीं है, उसमें बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें पड़ती है, तो मैं बस इसमें मैंगो पल्प, लाइम जूस, शुगर और वाटर बस इतना ही डालूंगी। एक्स्ट्रा इसमें मिंट भी पड़ता है, और ऑथेंटिक मोहितो में तो अल्कोहल भी डालते हैं, तो अल्कोहल तो आपको पता है कि हमारी फैमिलीज़ में वो सब नहीं चलता है, तो अल्कोहल जस्ट फॉरगेट इट। तो यहाँ पर मैं लाइम डाल रही हूँ, ये कॉन्सेंट्रेट है लाइम जूस, और मैंगो पल्प में मैंने पानी मिलाया, फिर जूस मिलाया, उसके बाद शुगर मिलाई। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मेरा जो चिकन है वो फ्राई हो गया है, और इसे मुझे लगे तकरीबन 10-15 मिनट, क्योंकि ऑलरेडी कभी इसे मैरिनेट है इसलिए इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब मैं यहाँ पर चिप्स फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी कि मुझसे क्या मिस्टेक हो गई है। ये जो ऑयल है एज़ यू नो कि मैंने इसे 2 से 3 बार यूज़ किया है, तो इसमें जो है बहुत सारा डेब्री आ गया था जो भी मैंने पहले इसमें फ्राई किए थे चीज़ें,
तो क्या हुआ कि ये जो चिप्स हैं वो ब्राउन होना स्टार्ट हो गए और जो डेब्री था ऑयल में वो भी उन पे आ गया था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि ये जो चिप्स हैं वो काइंड ऑफ फेल हो गए हैं, क्योंकि टेस्ट में भी डिफरेंस आ गया था और कलर में भी डिफरेंस आ गया था। तो मुझे यहाँ पर ये सीखने को मिला है कि जब भी मैं अब दूसरी बार पोटैटो चिप्स बनाऊंगी तो मैं उसे क्लीन और क्लियर ऑयल में ही फ्राई करूंगी, ना कि ऐसा ऑयल जो पहले से ही यूज्ड है। तो बस मुझे यही लगा उस टाइम पे, लेकिन मैंने एनी हाउ से फ्राई कर लिया क्योंकि मुझे नहीं था कि मैं फिर ऑयल चेंज करूं वगैरह वगैरह। तो मैंने जो भी है कर दिया, उसके बाद मैंने इसमें नमक वगैरह डाल के बना दिया। टेस्ट अच्छा था, लेकिन जिस तरह के चिप्स बनने चाहिए वैसे नहीं बने, क्योंकि ऑयल ऑलरेडी यूज्ड था और उसमें दूसरे चीज़ों का भी डेब्री था, तो वो उस पर चिप्स पर आकर चिपक गया था, तो वो मुझे अपीलिंग नहीं लगा। तो मैं नेक्स्ट टाइम इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखूँगी और आपको एक बहुत सी अच्छी सी पोटैटो चिप्स की रेसिपी भी आपके साथ मैं शेयर करूँगी। तो इसमें मैं अब डाल रही हूँ नमक और लाल मिर्च पाउडर, इसे टॉस कर लें। और एक बोल में निकाल लें। यहाँ पर मेरा बोल गिर गया था, फिर मैंने उसे उठा लिया। खैर, अब मैं ये सारी चीज़ें जो है वो असेंबल कर रही हूँ। तो मैंने एक बड़ी सी ट्रे ली, उसमें मैंने रखा गार्लिक सॉस, टमेटो केचप और ये जो चिप्स है वो भी मैंने बोल में डाल के रख दिए हैं। और यहाँ पर है ये क्रिस्पी फ्राइड चिकन, और मैंने साथ ही में थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ भी फ्राई कर लिए थे, जिसका मैं क्लिप शूट नहीं कर पाई। तो ये देखिए, वो बस कुछ ही देर में फ्राई हो गए थे, 3 से 4 मिनट में वो फ्राई हो गए। मैं ये भी ऑलरेडी कट करके फ्रीज़र में रख देती हूँ, जब भी फ्राई करना होता है निकाला, बस डायरेक्ट उसे फ्राई कर लिया, और फिर आप उस पर सीजनिंग भी डाल सकते हैं। तो ये है मेरी फ्रेंच फ्राई सीजनिंग, तो ये बहुत ही अच्छी है सीजनिंग, मुझे पसंद आई। और ये मेरी ट्रे रेडी हो गई है, मैंने मोहितो को भी फ्रिज से निकाल लिया है, और अब मैं ट्रे लेकर जाऊंगी और मैं और मेरे हस्बैंड बैठकर इसे एंजॉय करेंगे अब। लेकिन जाने से पहले मैं यहाँ पर टेस्टिंग कर रही हूँ सभी चीज़ों की, उसके बाद ही मैं लेकर जाती हूँ। मैंने थोड़ा सा केचप भी डाल दिया, और वो जो गार्लिक सॉस है रेड कलर के बोल में, वो मैंने घर पे ही बनाया है। गार्लिक सॉस की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बैठ गए हैं और अब हम लोग इसे एंजॉय करेंगे। तो ये सारा जो है हम लोग खाएँगे, फिर अपने अपने काम पे लग जाएंगे, जैसे कि नमाज वगैरह होती है। तो आई होप आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मैं आपके साथ पोटैटो चिप्स की रेसिपी भी बहुत जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने ये पोटैटो से सीख लिया है कि यूज्ड ऑयल में नहीं फ्राई करना चाहिए। तो चलिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलती हूँ आपसे कोई अगली नेक्स्ट वीडियो कोई भी कंटेंट के साथ।